हेलो डियर पेरेंट्स, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम बच्चों को अक्षर, लेटर्स, नंबर्स हम कैसे लिखना सिखा सकते हैं। आई होप आपने मेरी नर्सरी प्ले ग्रुप की पहली वाली वीडियो देखी होगी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि मैंने बच्चों के लिए वहाँ पे एक्टिविटी वर्कशीट बनाई हुई है जिसमें आप बच्चों को ट्रेस करना सिखा सकते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लेटर्स लिए हुए हैं, डॉट है एंड ट्रेस करने का भी है। तो बच्चों को बोलिए कि डॉट टू डॉट स्लांटिंग लाइन करना है, फिर डॉट टू डॉट स्लांटिंग लाइन, देन स्लीपिंग लाइन। ए फॉर एप्पल, स्टैंडिंग लाइन, हाफ सर्कल, हाफ सर्कल। बी फॉर बॉल, यहाँ पे जो लेटर्स हैं वो बिग साइज में है, क्योंकि जब बच्चा फर्स्ट टाइम अगर लिखना सीख रहा है तो वो स्मॉल नहीं बनाएगा, वो बिग ही बनाएगा। अगर आप स्मॉल भी देंगे तो वो डॉट से बाहर ही निकालेगा, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप उन्हें बिग लेटर ही स्टार्टिंग में लिखने के लिए दीजिए। उसी तरीके से यहाँ पे नंबर है, स्टैंडिंग लाइन वन। आप जब भी बच्चों को लिखना सिखा रहे हैं वो ज़रूर बताइए कि ये जो आप स्टैंडिंग लाइन बनाए ये वन बना, देन हाफ सर्कल, स्लीपिंग लाइन टू, हाफ सर्कल, हाफ सर्कल थ्री। आप बच्चों को लिखने के साथ साथ में उसका रिकॉग्नाइजेशन भी सिखाइए, पहचानना भी सिखाइए बच्चों को। बच्चा अगर लिखना सीख जाएगा लेकिन वो अक्षर या लेटर नहीं पहचानेगा तो कोई मतलब नहीं होगा, तो साथ साथ में आप उन्हें पहचानना भी सिखाएं। यहाँ पे मैंने हिंदी के भी कुछ अक्षर लिए हुए हैं, स्टैंडिंग लाइन, हाफ सर्कल, अगेन हाफ सर्कल, देन ट, ई, इमली का, स्टैंडिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, हाफ सर्कल, देन स्लीपिंग लाइन, ए, एडी का। फिर जब बच्चा लिखना सीख जाएगा, ट्रेस करना अच्छे से उससे बन जाएगा, फिर आप उन्हें ऐसे डॉट दीजिए विदाउट ट्रेसिंग। डॉट टू डॉट बच्चे को बोलिए स्लांटिंग लाइन करना है, डॉट से बाहर नहीं आना चाहिए। स्लांटिंग लाइन यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे एंड होगा, स्लांटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। ए फॉर एप्पल, देन स्टैंडिंग लाइन, हाफ सर्कल, हाफ सर्कल। बी फॉर बॉल, हाफ सर्कल। सी फॉर कैट, स्टैंडिंग लाइन, हाफ सर्कल। डी फॉर डॉग, वन हाफ सर्कल, स्लीपिंग लाइन टू, हाफ सर्कल थ्री, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, अगेन स्टैंडिंग लाइन फोर, हाफ सर्कल, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीप, अनार का। देन जब आपको समझ आ जाता है कि बच्चा लिखना सीख गया है, कि मैं जब उसको कॉपी में दूंगी तो वो लिख लेगा, प्रॉपर अच्छे तरीके से लिख लेगा। अच्छे तरीके से तो अभी फ़िलहाल नहीं लिख पाएगा क्योंकि स्टार्टिंग है उसका, फिर भी अगर आपको लगता है तो आप उन्हें नोटबुक में दीजिए लिखने के लिए। नोटबुक में भी डॉट से ही दीजिए, हाफ सर्कल, हाफ सर्कल, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, अनार का। तो इस तरीके से आप बच्चों को दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे ई, इमली का, तो स्मॉल स्टैंडिंग लाइन है, तो अगर बच्चे से नहीं बनता तो हाफ सर्कल, हाफ सर्कल, टर्न, देन स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, हाफ सर्कल, हाफ सर्कल, टर्न। तो इस तरीके से आप बच्चों को भी सिखा सकते हैं। जब बच्चा डॉट टू डॉट लिखना सीख जाएगा तब आप उन्हें डॉट छुड़वा दीजिए, फिर आप बोलिए यहाँ पे ऐसे स्लीपिंग लाइन दीजिए, बोलिए कि ये ऐसा बना के दिखाइए, देन हाफ सर्कल, हाफ सर्कल, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। वो बोल रहा है बच्चा हाफ सर्कल, हाफ सर्कल, इट्स ओके। बच्चा उसे लिखना सीखेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप छोटे बच्चों को रिटन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये हिंदी के अक्षर हैं, इसी तरीके से आप इंग्लिश और मैथ्स में भी करा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें एंड